जिले की बंद पड़ी कृष्णा टाकीज के सामने जिला प्रशासन ऑटो स्टैंड बनाने की जुगत कर रहा है, लेकिन इस ऑटो स्टैंड से कुछ दुकानदारों को समस्या हो रही है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, जानते हैं उनसे आगे कि आखिर उनकी समस्या क्या है और उन्होंने इसके लिए क्या किया है। ये जिला प्रशासन द्वारा यहाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विशाल सैनी है। यहाँ हमारी दुकान है, जिला प्रशासन द्वारा यहाँ बैरिकेडिंग करी जा रही है। ऑटो रिक्शा अवैध रूप से यहाँ खड़े करे जाएंगे और बैरिकेडिंग जैसा आप देख रहे हैं खंबे लगे हुए हैं, यहाँ तार खींचे जाएंगे। तार खींचने के बाद फिर हमारी दुकानों को तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। कस्टमर कहाँ से आएगा जाएगा, हमारा भरण पोषण कैसे होगा? हम सब जगह जिला प्रशासन को सूचित किया, SDM ADM सब लोगों को प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी कोई हमें निस्तारण नहीं मिल रहा। हम बिल्कुल भुखमरी की कगार पर हैं। रोजी रोटी हमारी बंद हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे? जिला प्रशासन कोई सुनने की तैयारी नहीं है। यहाँ बैरिकेडिंग लग जाएंगी, ग्राहक कहाँ से आएंगे? हम सभी दुकानदार लोग प्रभावित हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं दुकान है, यहाँ दुकानों के सामने अगर ये बैरिकेडिंग लग जाएंगी तो ग्राहक कहाँ से आएंगे? कि व्यापारियों का अपना दर्द है, उनकी अपनी समस्याएं हैं कि दुकान बंद होने हो जाने के बाद उनको रोजी रोटी की दिक्कत होगी। वहीं जिला प्रशासन भी जाम की समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ऑटो स्टैंड बनाने की कोशिश कर रहा है।